आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर से ई श्रम कार्ड से पैसे आए नहीं हैं तो किस तरह आएंगे, कब आएंगे और उसके लिए आपको क्या करना होगा। आज की इस वीडियो में आज कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं कि अगर से आपने ई श्रम कार्ड को अपडेट नहीं किया है तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए और किस तरह से अपडेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए प्रोसेस क्या है। उसके एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको आपके ई श्रम कार्ड को अपडेट कर देना है कि आपको 3000 रुपये मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको सर्च करना है, ऊपर सर्च बार में ई श्रम आपको सर्च कर लेना है। देखिए, इस तरह से आपको ई श्रम यहाँ पर सर्च कर लेना है। ई श्रम सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद में सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी ई श्रम वाली, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में आपको सिंपल सा रजिस्टर ऑन ई श्रम अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद में आपको जो आपका नंबर होता है, यानी कि जो आपका ई श्रम कार्ड का नंबर दिया गया है 12 डिजिट में, उस 12 डिजिट का UAN नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, सही तरीके से डाल दीजिएगा। देखिए, जो चार चार वर्ड तीन बार करके लिखे हुए हैं आपके ई श्रम कार्ड पर, वो कार्ड पर के नंबर आपको यहाँ पर एक एक करके सही तरीके से पूरे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी पैदाइश तारीख वो डालिएगा जो आपने ई श्रम कार्ड बनाते हुए जो डॉक्यूमेंट दिए थे, यानी कि आधार कार्ड, वो आधार कार्ड वाली डेट आपको यहाँ से ढूंढ लेनी है। ईयर्स और मंथ सही तरीके से डाल देना है और सेट पर क्लिक कर देना है। सेट पर क्लिक कर दीजिएगा। सेट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो कैप्चा नजर आ रहा है, कैप्चा जिस तरह से स्मॉल साइज और लॉन्ग साइज, मतलब छोटा बड़ा जो है वो हिसाब से यहां पर आपको उसी तरह से डालना है, वरना ये कैंसिल हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा डालने के बाद में सिंपल सा जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट OTP, आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस पर OTP भेजा जाएगा। अब OTP आने का इंतजार थोड़ी देर करना है, उसके बाद में आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। इसका वक्त जो होता है, टाइमिंग जो होता है, 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट का पूरा टाइम आपको मिलता है। उसके बाद आपका OTP एक्सपायर हो जाता है। देखिए, OTP आ चुका है। अब आपको ये OTP यहाँ पर चेकबॉक्स में डाल देना है। यहाँ पर OTP पे डालने के बाद में आपको वैलिडिटी पे क्लिक कर देना है। देखिए, 120 सेकंड होने के पहले आपको वैलिडिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप BPL यूजर है तो आपको यस करना है, वरना आप नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सिलेक्ट माइनॉरिटी, आपको फैमिली इनकम डालनी है, फैमिली इनकम यहां पर डाल दीजिएगा 61,000 रुपए। देखिए, 61,000 से कम ही डालिएगा, अगर से आप ज्यादा डालते हैं तो आप स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। देखिए, उसके बाद में आपको सिंपल से माइनॉरिटी के बारे में पूछ रहा है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, अगर माइनॉरिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वो पूरी लिस्ट आ जाएंगी जो स्कीम यहाँ पर बताई जा रही है। जो भी स्कीम का आप फायदा उठाना चाहते हैं या जो स्कीम में आप एलिजिबल है, वो स्कीम आपको यहाँ पर सभी नजर आ जाएंगी। आप टोटल स्कीम यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, एक एक करके पूरी स्कीम को पढ़ लीजिएगा। आप इसको गूगल ट्रांसलेट के जरिए हिंदी में भी करके पढ़ सकते हैं, अगर से आप इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं तो। देखिए, वो किस तरह से करना है, क्रोम पर जाकर आपको सर्च करना है इंग्लिश टू हिंदी और वहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर एक एक स्कीम को आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरे टोटल जो पेज दिए गए हैं 13 पेज है, मतलब स्कीमों की यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन एक स्कीम यहाँ पर है जिसके जरिए आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। वो स्कीम आपको कैसे मिलने वाली है, वो स्कीम आपको आपकी उम्र के बाद, यानी कि आपकी उम्र अगर से एज 60 साल के ऊपर हो जाती है तो आपको एक अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पहले, उनकी तरफ से स्कीम है कि जो 60 साल के हो चुके हैं उन्हें 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो वो स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अप्लाई मत कीजिए, अभी आप
स्कीम आने दीजिए, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होने के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन सी नई स्कीम आई है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि कोई भी नई स्कीम अगर से ईश्रम कार्ड में आती है तो मैं आपको बता दूंगा और आप वहां से वो स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। अभी इसको आपको ईश्रम कार्ड को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर से आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाली स्कीम को ले लीजिएगा और उसे अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, इंतजार करने के बाद में कुछ अपडेट होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। लोग बता रहे हैं कि जैसे पेमेंट आ चुकी है नहीं आई है, तो वो पेमेंट किसी की नहीं आई है। कोई बता रहा है आपको पेमेंट आ चुकी है तो पेमेंट नहीं आई है, अभी तक के ईश्रम कार्ड की तरफ से कोई पेमेंट दी नहीं गई है। देखिए इस ये वीडियो को देखने के बाद में आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन तो दूर हो गया होगा कि पेमेंट अभी तक किसी की नहीं आई है। पेमेंट का अगर से कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। से आपने लाडली बहन का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, आइए आपका कैंसिल हो चुका है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लाडली फॉर्म का फॉर्म जो है अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे भर सकेंगे। किसी को आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो भी आप भर लीजिएगा डबल से, या आप पहली बार भर रहे हैं तो फर्स्ट बार भी आप भर सकते हैं। देखिए वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया है किस तरह से भरना है,